हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विटी यूवी। एंड कैसे हैं आप लोग बताइए कमेंट करके। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। कानपुर में अभी बारिश हो रही है फ़िलहाल, तो शाम के 6:15 हो रहे हैं। एंड आज का ब्लॉग का सीन ऐसा है कि मेरा खाने को बन रहा है तंदूरी मोमोज, तो मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए। मैंने सामान सारा चेक कर लिया था, तो घर में सारा सामान अवेलेबल है अभी। बट इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने इसके बारे में मम्मा दीदी को कुछ बता नहीं रखा है, तो ना ही मम्मा को पता है ना ही दीदी को पता है। तो चलते हैं, बनाते हैं चल के। एंड बस देखेंगे कि ये लोग आकर के बोलेंगे क्या मुझे, मतलब मना तो नहीं करेंगी, बस आगे बोलेंगे नहीं क्या करने जा रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो चलते हैं, देखते हैं। एंड बस डांटना पड़े यार कि मतलब गंदगी करोगे तुम, ये करोगे, क्योंकि बता देता हूँ पहले से, वैसे बताया नहीं मैंने। तो बस चलते हैं एंड चल के बनाते हैं अपन लोग मोमोज, तंदूरी मोमोज। एंड आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसे लगते तंदूरी मोमोज, क्योंकि मुझे तो यार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्रेविंग मुझे बहुत होती है। बट पहला प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे मतलब मार्केट में थोड़ा टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा क्या, इस समय चल रहा है कोविड, तो कोविड में थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ कि मार्केट का चीज़ थोड़ा कम खाऊं। बाकी घर में बना लूँगा मैं, और उसका एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट पता है क्या है? बेनिफिट ये है उसका कि मैं ढेर सारा बना लूँगा और ढेर सारा खा लूँगा। मार्केट में क्या है ना कि बस वही है, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, लिमिटेड होता है। और घर में जितना मर्जी उतना खाना उतना खाओ। तो चलते हैं, बनाते हैं चल के। एंड आप लोग बने रहेगा ब्लॉग मेरे साथ। एंड ये वाला ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि इसके पहले मैंने डाला था बैराज ब्लॉग, मैं दोस्तों साथ गया था। बट यार ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि हम लोगों ने गणेश जी की पूजा होती है हम लोग के यहाँ, तो उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहा था इस टाइम पे। बाकी अभी जल्दी जल्दी ब्लॉग आएंगे रेगुलरली, तो आप लोग बने रहेगा चैनल पे। और थैंक यू ऐसे प्यार देने के लिए, ऐसे कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना, मतलब एक दिन पे ही मेरे अभी जस्ट 1 month हुआ है हम लोग को कनेक्ट हुए, और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, मतलब कि उस वाली लास्ट वाली वीडियो में मेरे शायद ही किसी वीडियो में एक दिन के अंदर 200 से 300 व्यूज़ गए उस वीडियो में गए हैं, तो सब आप लोग के चक्कर में हुआ है। और ऐसे ही प्यार करते रहेगा आप लोग। बाकी चल के ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं और तंदूरी मोमोज बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सर कैबेज, कैरेट सबको करता हूँ सबसे पहले। नीचे गिरने लगा हम लोग कैरेट करेंगे, कैरेट तो कैरेट की जल्दी हम लोग वो कर लेते हैं, किस देते हैं यार, मुझे किसना नहीं आता, लेकिन ये हो है ना, ये हो गया पूरा। ये नीचे इसमें थी कैबेज और ऊपर है कैरेट, तो ये मैंने किस लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें वाटर मतलब की लेवल थोड़ा बड़ा रहता है। और बाकी जो ये गंदगी दिख रही है ना, बस इसी से डर लगता है, मम्मा के रहना शुरू कर देंगे हमको, तुमने क्या बना रखा है पूरा किचन में। जल्दी से ये इसको समेटते हैं, क्योंकि अगर मम्मा को गंदगी दिखी तो हम नहीं दिखेंगे। समझ रहे हो आप। तो ये अपना साफ हो गया, अब अपन को करना है अनियन, तो जल्दी से करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं भूल गया, ये जिंजर, इसको भी उसमें करना है, तो इसको कर लेते हैं, इसलिए छोटा वाला है पास। इसको पता है इतना छोटा पीस कर रहा हूँ कि मतलब कि ये टेस्ट इसका आ जाए, खाली एसेंस आ जाए इसका, और ये ना आए, मतलब टेस्ट आ जाए इसका लेकिन ये मुंह में ना आए इसलिए। और इसके लिए मेरे पास चॉपर है, लेकिन चॉपर से मैं कर लूँगा, जल्दी हो जाएगा काम, बट उसके लिए पहले करना पड़ेगा। और सबसे मुद्दे की बात है कि मम्मा भी नहीं आ रही मेरे पास। मम्मा भी पता है किसी बिजी हूँ, शायद को फ़ोन चला रही हूँ, मम्मा अभी तक नहीं आई है, वरना वो आते पूछेंगे मुझसे क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि इतनी रात में। कमेंट करते हैं कि आप लोग को ऐसे क्रेविंग की चीज़ करते हैं, बहुत से लोगों को होती मैगी की, दीदी को मेरे ज़्यादातर मोस्टली टाइम मैगी की होती है, फिर उसके बाद अगर कुछ हुआ तो पास्ता या फ्राइड राइस कुछ भी, बट मोस्टली टाइम वो मैगी की उसको क्रेविंग होती है, और मुझको तो हर चीज़ की आती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को किस चीज़ की क्रेविंग होती है, और क्रेविंग जैसे हर एक चीज़ की नहीं, मतलब जिसको आपको मन करे खाना ही खाना है कुछ भी करके, तो वैसा वाला कमेंट करेगा आप लोग, ठीक है। एंड इसमें कमेंट सब लोग करेंगे एक्सेप्ट आस्था, क्योंकि वो लड़की आस्था आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं प्रीवियस ब्लॉग देखिएगा आप लोग, दोस्त है मेरी, उसको आप ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो पूछ लो उसको पसंद ना हो, सच में ऐसा कुछ नहीं होगा उसको ना पसंद हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि उसकी तो क्रेविंग हर चीज़ में होती है। उसको आप ये बोल दो ना, देखो पानी रखा है, क्या देखिए हाँ क्रेविंग होगी पानी पिएगी, पानी पिला दो, मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, उसको ऐसे ही लगता है।
तो जल्दी इसको कर लेते हैं चॉप। ऐसा कुछ ग्राइंड करना था, दिख रहा है ये छोटा सा बिल्कुल महीन सा, क्योंकि ये टेस्ट में आना चाहिए और हल्का हल्का जब क्रिस्प हो जाएगा ना ये तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इस पर हमारा बंद गोभी हो गई है, गाजर हो गई है, अदरक हो गई है और प्याज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए पास है पैन, ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, अभी जो गोभी होती है तो पानी होता है तो उसका पानी खाली सूख गया। क्या करना है कि मैंने अभी ये कर लिया था रेडी, अब इसको हम लोग को थोड़ा सा वो मतलब कि रफ रफ सा हो गया ना, इसको हल्का सा टेस्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें बटर के साथ थोड़ा सा 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बटर, काला नमक और ब्लैक पेपर। इसमें मुझे डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी, वो क्या है कि मुझे भी आटा गूंदना है, मैदे का आटा, मतलब मैदा भी मैश करना है क्योंकि मैदा लगता है ना उसके लिए, मोमोज के लिए। तो यार करके देखते हैं क्योंकि पहली बार ही मैं करूँगा ये। देखो पीछे पीछे तो देखो क्या बना रहे हो यार, आटा नहीं गूंद रहा हूँ पानी से बना कर रहे हो। हमने एक चीज बन रहा है क्या, मोमोज क्यों मोमोज बनाने का, अब इतनी चीज बनी थी क्या जरूरत थी इसकी बनाने की, मन कर रहा था, मन को कुछ भी करता रहता है तुम लोग का, कल बना रहे थे क्या, नहीं बन रहा क्या ये, नहीं पानी डाल दो मेरे तरफ से, तो और डाल दो मैदा डाल दो और नहीं करना हल्का से मैदा डाल, हम पता है बहुत देर से ही इसमें सोच रहे थे कि बस आप ना आ जाए क्या, अब इतनी रात में तुम बताओ सब बना रहे हो, कल बना रहे थे, आज तो बना ही था खीर पुआ, कोई बात नहीं मन था खाने का, ये तो तुम लोगों का मन ना हो गया बिल्कुल। कितने देर लगेगी तुम्हें, थोड़ा टाइम आधा घंटा, फालतू की परेशानी बात नहीं, मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है बट आटा भी ऐसा हो चुका है, ये दिख रहा हो अगर, ये तो मुझे लग रहा है कि गुन गया आटा, ऐसे ही होता है आटा। तो जल्दी से इसको इसको भी 10 मिनट के रखना। मैंने क्या कर लिया है कि मैंने ये मोमो बना लिए हैं, भाई मैदा जो मैंने वो गूंदा था उसी के उससे आटे से बना दिए हैं मोमो, और ये मोमो बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको फ्राई करना है, मैं इनको स्टीम इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं, फ्राई करने थोड़े टाइट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसको मतलब कि जो इसका मैरिनेट है मैं तंदूरी वाला पहले मैं वो बनाता हूँ। तो ये मेरा ऑयल हो चुका है, धुआं निकल रहा है दिख रहा होगा, एंड अभी इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। मैंने इसका ये हो गया है रेडी कर लिया है, ये मेरे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब वो जल्दी से इसको मिला देता हूँ, ओके। वो कर दिया है, मिक्स कर दिया है मैरिनेट में, दिख रहे हैं आपको, ये मैंने मोमोज इसमें मिक्स कर दिए मैरिनेट में। अब मुझे क्या करना है ना, मेन काम अब आएगा, अब जब ये कोल है इस कोल को मैं डाल दूंगा इसके अंदर जब गर्म हो जाएगा, तो इसमें क्या करना, 2 बूंद डालना है मुझे देसी घी, इससे क्या होगा धुआं उठेगा, धुआं होगा उसको मैं ढक दूंगा 30 सेकंड के लिए, तो जो उसका धुआं है जो वो एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो पूरा टेस्ट आ जाएगा तंदूर वाला। तो जल्दी से करते हैं, आई थिंक ये हो गया है, इसको मैं रख देता हूँ इस पर, ये
मुझे घी, दूध, ये देखिए कितना मस्त कलर आया है। इनको मैं सजा देता हूँ फिर आपको फोटो दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने भी सजा दिया है इसको पूरा, तो आप लोग देखिए कैसा सजाया मैंने। बाकी मैं पिक लगा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा साइड पे। और कुछ ऐसा सजाया मैंने, ऐसा सा दिख रहा है। और बाकी मैं पिक लगा दूंगा एक, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को। एंड रात तो बहुत हो गई है, बट मम्मा को बुलाता हूँ, पूछता हूँ कैसा लग रहा है उनको। कैसा लगेगा भाई, हमको तो अच्छा लगेगा। मम्मा एक मिनट आइए, और गुस्सा कर रही थी, आइए तो एक मिनट, गुस्सा कर रही थी, मैं कह रही थी क्यों बना रही हूँ इसको। खाइए पहले, बताइए कैसा लग रहा है। देखने से अच्छा लग रहा। अरे बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? पकाया किसने? गैस में। इसमें तो ऐसे मैं घर से कुछ आप लोग भी ब्लॉग देख लीजिएगा पूरा। लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि मेरी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बाकी जिसने इसने मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़। और आप लोग भी शेयर करिए दोस्तों को अपने, और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको मेरा ये कुकिंग ब्लॉग। और अगर अच्छा लगा हो तो मैं और भी ऐसे ब्लॉग डालूंगा कुकिंग वाले। बाकी अभी तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है खाने का इसको, तो मैं ब्लॉग कैंड कर रहा हूँ। और अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा यहाँ पर, तो उसको फॉलो कर लीजिए जाकर के इंस्टाग्राम पर। उस पर मैं स्टोरी लगाता था रेगुलरली वहाँ पर स्टोरी लगती रहती मेरी कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या करूँगा, तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। एंड इसमें पिक लगा दूंगा स्टार्टिंग में भी होगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ वीटीयूबी।